तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देख रहे हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का 2019 का एंट्रेंस पेपर। तो इससे पहले हम एमबीए का पेपर देख चुके हैं और हम बीए एलएलबी ऑनर्स का और एलएलबी का पेपर देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फुल अपडेट आपके पास आ जाए और आप लाइक कर दें वीडियो को। तो शुरू करते हैं। तो यह पेपर है बीए बीएड का और स्टडी सिस्टम में आप देख रहे हैं तो बीए बीएड का यह एंट्रेंस पेपर है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। तो जैसा कि आप जानते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, नो माइनस मार्किंग, तो इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहती है और बीए की कटऑफ काफ़ी हाई जाती है अगर हम अन्य सब्जेक्ट की तुलना करें तो, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम होती हैं। लेकिन बीए बीएड एक अच्छा करियर ऑप्शन है, इसके बाद जॉब में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस वीडियो में बताऊँगा डिटेल में कि बीए बीएड कैसे करें और क्या हो इसकी स्टडी। तो अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर। तो पहला क्वेश्चन आया था कि एक एकाधिकारी मार्केट में होते हैं तो अ मोनोपोली इज मार्केट विथ। तो ऑप्शन में है वन सेलर, टू सेलर, मैनी सेलर और थ्री सेलर। तो एक एकाधिकारी मार्केट में एक विक्रेता होता है, दो विक्रेता की, तीन विक्रेता की, अनेक विक्रेता। तो एक विक्रेता इसका राइट आंसर है, लेकिन आप चेक कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कर्व इज नॉट इन यू शेप। तो निम्न में से कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है। ऑप्शन में है ए बी सी कर्व, ए सी कर्व, एम सी कर्व और ए एफ सी कर्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, मांग का नियम क्या बताता है। तो ऑप्शन में है आय में वृद्धि से मांग में वृद्धि, या जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है, या जब कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, या जब आय और कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। इसके बाद देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन इज करेक्ट। तो निम्न में से कौन सा सही है, तो यह पूछा गया था। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन एक कंडीशन पूछी गई थी और फिफ्थ में पूछा गया था कि भारतीय अर्थशास्त्रियों में किसने राष्ट्रीय आय पर अग्रणी कार्य किया। अमोंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैड डन पायनियरिंग वर्क ऑन नेशनल इनकम। ऑप्शन है पी एन धर, जगदीश भगवती, प्रोफेसर सिनोई या बी के आर वी राव। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का बैंक कौन होता है। कई बार रिपीटेबल क्वेश्चन है, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर के पेपर में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो 5 से 10 क्वेश्चन तो सीधे पूछे जाते हैं और बाकी हमें समझ में आ जाता है कि किस प्रकार का पेपर आगे आएगा। तो आपकी पढ़ाई में काफ़ी कम टाइम में आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन है हु विल बी एक्ट एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार का बैंक कौन होता है। ऑप्शन में एस बी आई, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑप्शन में है नाबार्ड, पीएनबी और आरबीआई। तो आरबीआई जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के निर्मित करने को कौन अधिकृत है। तो हु इज ऑथराइज्ड टू इशू कॉइन इन इंडिया। तो ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हाई कोर्ट। तो भारत में सिक्के निर्मित करने को कौन अधिकृत होता है, तो इस सिक्के पूछे गए हैं, तो इसका काफ़ी क्वेश्चन है रिपीटेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कालानुक्रम हमें निम्न की सजाएं बतानी हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंग्लिश के क्वेश्चन आप देखिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जब दोनों आती हैं तो इंग्लिश का राइट आंसर माना जाता है क्वेश्चन का, तो उसमें हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो ऑप्शन है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर बैंक, मतलब 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले हुआ, कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण पहले हुआ, कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पहले हुआ, कि एलआईसी का। तो यह क्वेश्चन रिपीटेबल है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉबिन कर एक कर है, इन पर क्या होता है। तो टॉबिन टैक्स इज अ टैक्स ऑन, तो किस पर है, एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स है, ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज है या सेल्स है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है।
तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उपरोक्त में से ऑल सभी। विच वन ऑफ द इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है। तो यह काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। तो कृषि क्षेत्र इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगर हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा, इसलिए हम ओनली पेपर पेपर देख रहे हैं, एक वीडियो में हम अलग से क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ, तो हस्तांतरण भुगतान भाग है। तो चालू खाता, पूंजी खाता, दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और WTO से एक क्वेश्चन, इससे पहले मैं MBA का पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, BLL का पूछ चुका हूँ। WTO वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से WTO पूछा जा रहा है, क्योंकि WTO 2019 में काफ़ी चर्चा में रहा था, 2020 में भी है और 18 में भी है, इसलिए इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन में वर्ल्ड ट्रेड ओरिजन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वाई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और नन ऑफ दीज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ राइट आंसर, मतलब विश्व व्यापार संगठन। WTO का फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटिलिटी मीन्स, मतलब उपयोगिता का मतलब क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संतुष्टि के स्तर पर सीमांत उपयोगिता होती है, तो ऑप्शन में था 0 पॉजिटिव, मैक्सिमम और नेगेटिव, 0 धनात्मक, अधिकतम और ऋणात्मक। तो हम 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। यह मैं आपको सॉल्व भी करवा चुका हूँ, VAT का फुल फॉर्म बैट, इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ। तो वैल्यू एडेड टैक्स इसका राइट आंसर है, जिसे हम मूल्य वर्धित वृद्धि कहते हैं। तो बैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वैल्यू एडेड टैक्स मूल्य वर्धित वृद्धि, वैल्यू एडेड टैक्स इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फेरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शन है 1971, 1973, 1975 या 1977। इसको आप चेक कर लीजिए, 1973 या 75 में से लग रहा है, 73 है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो नई औद्योगिक नीति कब प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन है 1989, 90, 91 या 92। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। अब बीसवें क्वेश्चन की, क्वेश्चन पूछा गया था कि मानक विचलन का वर्ग क्या होता है, तो द स्क्वायर ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल व बृहस्पति के बीच स्थित ग्रह हैं, प्लैनेट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर इज, तो मंगल और बृहस्पति के बीच कौन कौन से ग्रह स्थित हैं वो हमें बताने थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विथ, तो ऑप्शन है अधिकरण शब्द की संगति क्या है, तो बोलते हैं अर्थक्वेक, टाइड या रिवर, तो अर्थक्वेक से रिलेटेड है जिसे हम भूकंप कहते हैं, लेकिन आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक अपरदनात्मक स्थल रूप है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरोशनल लैंड फॉर्म, तो आप ये ऑप्शन है एलुवियल फेंस, नेचुरल लीप्स, डेल्टा और वाटरफॉल, तो जलोड़पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा और जलप्रपात। तो अभी तक हम 23 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द ग्रेट सैंडी डेजर्ट लोकेटेड, तो महान रेतीला मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ग्रेट सैंडी ऑप्शन है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ अमेरिका। तो ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में इज राइट आंसर, बाकी आप महान रेतीला में आप नहीं समझ पाएंगे, तो ग्रेट सैंडी में आप समझ जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिए। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान है, तो गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा, हम्बोल्ट धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा, ब्राजील धारा, हिंद महासागर, अगोलास धारा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस गैस इज नॉट रेफर्ड एज ग्रीन हाउस गैस, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं, ऑप्शन में CH4, CFC, NH3 और CO2। CH4 मीथेन होती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच कंट्री, तो प्रधान देशांतर किस देश से होकर गुजरती है, ऑप्शन में है चीन, इंग्लैंड, भारत या कनाडा। तो अगर यह टाइम बारी पूछी गई है प्राइम मेरिडियन, तो इंग्लैंड से एक गुजरती है टाइम वाली, यहाँ से टाइम चालू होता है, तो हमारे ख्याल से इसका राइट आंसर इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवीय प्रदेशों के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो एक बार पूछा गया था कि ध्रुवीय प्रदेश के लोगों का रक्त कैसा पाया जाता है, तो यह इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ पोलर रीजन, ऑप्शन है एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग और कॉमर्स एंड ट्रेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स, तो नेचुरल गैस, वाटर, कोल और पेट्रोलियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय स्रोत है? तो नेचुरल गैस नहीं है, कोल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, तो वाटर इज राइट आंसर। तो वाटर या जल इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान और इंडिया। तो इसको आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है, मतलब विच लैटिट्यूड पास थ्रू इंडिया? ऑप्शन है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। तो मैं यह वीडियो डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपके लिए। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने करके देखा, पढ़ाई है डिटेल में कि मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और काफ़ी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, और मैं स्ट्रेटजी भी बता चुका हूँ हरी सिंह, और एंट्रेंस कैसे निकाला जाए, सिलेबस कैसे पढ़ा जाए, तो वो सब देखिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भारत से गुजरती है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है, इसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को मकर रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज, ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और कावेरी। तो गोदावरी और नर्मदा में से है, लेकिन गोदावरी राइट आंसर है इसका, लेकिन आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर चुनना है, वनों की कटाई के परिणाम है, तो मृदा अपरदन, वनस्पति विनाश, जंतु विनाश या पारिस्थितिकी असंतुलन। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे मुर्रा इज अ ब्रिज डॉग, तो मुर्रा किसकी नस्ल है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी? नाइन्थ का यह क्वेश्चन है, यह नाइन्थ की क्लास में आपको एमपी बोर्ड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, यह भी नाइन्थ क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रबी क्रॉप, तो मतलब इनमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है। तो रबी क्रॉप वो होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो गेहूँ एक रबी फसल है और चना भी एक रबी फसल है और सरसों भी है, तो बाजरा इसका राइट आंसर है, बाजरा एक रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है, तो श्वेत क्रांति, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से है, ब्लू फिशरीज से है, रेड और वाइट में है, तो वाइट तो दूध से रिलेटेड होती है, तो वाइट नॉट करेक्ट, तो मतलब कौन सी सही नहीं है, तो वाइट रेवोल्यूशन बूल से, तो यह गलत है, तो गलत बतानी है, तो कौन सा है इनमें से गलत, तो श्वेत क्रांति ऊन से नहीं है, श्वेत क्रांति है मिल्क से, जिसे हम मिल्क कहते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बेला डेला किसके लिए प्रसिद्ध है, व्हाट इज बेला डेला फेमस फॉर, तो सोना, लोहसक, तांबा या पेट्रोलियम। तो इसको आप चेक कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ता है, तो जम्मू से कन्याकुमारी या दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से मुंबई या कलकत्ता से अमृतसर, तो कलकत्ता से अमृतसर इसका राइट आंसर है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है, तो घनत्व में और वैसे में अंतर है, तो सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में से रहता है, तो इसमें शायद सिक्किम है, लेकिन आप चेक कर लीजिए, क्योंकि कम जनसंख्या में एक डिफरेंस होता है, घनत्व में भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट सरदार सरोवर परियोजना से लाभप्रद राज्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल लूथल किस राज्य में है, तो लूथल एक पंजाब में है, लेकिन आप चेक कर लीजिए, गुजरात पंजाब में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एशिया माइनर के किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख है, उसके बाद पूछा गया था कि गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नेक्स्ट है प्रथम बुद्ध महासभा किसके शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक। उसके बाद पूछा गया था कि कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था, तो रोमन, चीन, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। उसके बाद पूछा गया था कि समुद्रगुप्त के प्रयाग
पुस्तक प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो कालिदास, हरिशरण, रविकीर्ति या कौटिल्य? तो हरिशरण और रविकीर्ति में से है, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिए, हरिशरण बाकी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान के पुरालेख में सती होने की घटना का उल्लेख है? तो ऑप्शन है एरण, भीतरी, विदिशा और प्रयाग। तो एरण में यह उल्लेख है, तो एरण इज आ राइट आंसर। एरण काफ़ी फेमस है और बीना सागर जिले के पास यह स्थित है। एरण इज आ राइट आंसर। तो सती प्रथा का उल्लेख कहाँ है? तो एरण इज आ राइट आंसर, एरण ए इज ऑप्शन नंबर ए इज आ राइट आंसर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बाकी के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे, 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चचनामा निम्नलिखित में से कहाँ के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो फॉर विच रीजन इज चचनामा एन इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री? तो ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, सिंध, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या तुगलक शाह। और लास्ट क्वेश्चन है, किसने आगरा की स्थापना की? यह क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में अभी सॉल्व करवा चुका हूँ और उससे क्वेश्चन यह फंसा था, तो आप जाकर वीडियो मेरी देखिए, मैंने हिस्ट्री में कुछ ट्रिक वगैरह भी बताई हैं और कुछ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो भी कराई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो किसने आगरा की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोधी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोधी? तो सिकंदर लोधी ने की है, सिकंदर लोधी इज द राइट आंसर। तो हु इनहेबिटेस आगरा? तो किसने आगरा शहर की स्थापना की? तो सिकंदर लोधी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो आपके पास आए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं और वीडियो बनाऊं और मैं और आगे की भी पेपर डालूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।